10 साल हो गए हमको वर्कआउट करते, एक दिन मम्मी को कहा था मम्मी एक दिन जिम जाना, तो एक दिन पागल हो गए 10 साल देगा, कितना इंटू हो गया उसमें। मैं इसको ट्रेडमिल चलाना सिखा रहा हूँ, पहली बार चल रही है, हाथ पकड़ के मत कर, आराम से कर, हो जाएगा इजीली। इंडिया तो नंबर वन, इंडिया इज बेस्ट ब्रो। तो हमारी बहन ऑस्ट्रेलिया में है ना, तो बेचारी मिस करेगी हम जो अभी गेट टुगेदर करेंगे, है ना। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा रमन, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। ये देखो दिख रहा है कौवे की पोटी, हर जगह यही हाल है भाई, हर जगह। ये देखो इधर भी भर रखी है पूरी गाड़ी। अरे भाई तुमको ये जगह मिल जाएगा पोटी करने के लिए, बंदा बुक किया था यहाँ सामने गली में भी धोता है कार, उसको फाइनल किया था कि वो आएगा, लेकिन वो आज आया नहीं है, तो उसने कहा था कि मैं कल से आऊँगा, यानी कि कल कहा था कि परसों से आऊँगा, यानी आपको कल से आएगा, तो कल से जो है अपनी गाड़ी धुलनी स्टार्ट हो जाएगी, वो साफ हो जाएगी, ठीक है। एनीवे अभी जा रहे हैं भैया के साथ, पापा के साथ छोटा सा काम करने के लिए, जो कि काम कुछ ऐसा है हम बता नहीं सकते, काफ़ी तकड़ा काम है, मतलब इसके इसके पिछले वाला कांटा कह रहा हूँ, वहाँ से मिलता है। सारी फॉर्चून इकट्ठे किए हैं ना, तो ये अपना काम हो गया। इतनी तीखी धूप है बार, इतनी गर्मी है, क्या बताएं। देखो सारा जो धूप है ना मेरे ऊपर पड़ रही है यहाँ पे, और एसी जो एसी चल रहा है, एसी काम कर रहा है, लेकिन धूप इतनी तेज है सारी ऊपर पड़ रही है मेरे ऊपर, तो एसी का जो है सांस है वो प्रॉपर हो नहीं पा रहा मेरे को। अब जैसे हमें यू टर्न लिया ना, अब धूप गई, अब एसी का जो है सांस है मेरे को पूरा होगा। पहले जब हम सीधा जा रहे थे ना, तो सारी धूप मेरे ऊपर पड़ रही थी, ऊपर से आज मैंने सिर पे तेल लगा रखा है और मैं चमक रहा हूँ, चंपू लाल बना रखा हूँ आज, आप लोग देख रहे हो यार, है ना, तो तेल कहीं पर लगा लेता हूँ। एनीवे तो काम अपना हो चुका है, अपन वापिस जा रहे घर पे, पापा पीछे बैठे हैं, एज यू नो वी आर ड्राइवर, पापा इज ओनर ऑफ आवर कार, तो पापा पीछे बैठते हैं, ड्राइवर लोग आगे बैठते हैं, आ रहा हूँ। तो फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे वापिस। अरे भाई कम हगो बे, नई गाड़ी है मेरी, कुछ तो ख्याल रखो। खोलो लॉक, खोलो पापा लॉक, खोलो लॉक, नहीं खुला, अब खुला है, रुको आराम से पैर रखो नीचे, रुको मैं रखता हूँ उसको आराम से, हाँ इधर हाथ रखो, इधर आ, तो कंधे पे हाथ रखो आराम से। तो घर पर आते ही हमको मिल चुके हैं हमारे पीनट बटर के डब्बे, उन्होंने ऑर्डर कर रखे थे, पीछे देगा डिलीवरी वाला, पहले भी हमने 3-4 मंगाए थे, अभी 2 और मंगाए थे। एक्चुअली ये ना चौकट वाले हैं, मैं खोल के दिखाऊंगा, एक तो ये रहा और दूसरा उसमें, ये चौकट वाले हैं, चॉकलेट क्रंची वाले, तो दूसरे का मैं खा रहा हूँ वो सिर्फ क्रंची है, चॉकलेट फ्लेवर नहीं है, तो इसका अपना टेस्ट था, उसका अपना टेस्ट था, इसमें बस शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसमें थोड़ा कम होता है, ये प्रॉब्लम होती है, बस टेस्ट के लिए मैं गया, चलो फन होता है, कर लेते हैं और क्या। खोलता हूँ इसको, अनबॉक्सिंग करता हूँ आपको, शाम को आज जाना है हमने बुआ घर, बुआ ने चाय भी बुलाया। शाम के 5 बज चुके हैं, टाइम हो गया अपने मंदिर जाने का, मंदिर चलते हैं फिर आते हैं, फिर पूरी फैमिली से चलते हैं बुआ घर। तो भाई हम पहुंच चुके हैं फाइनली बुआ के घर पे, एक्चुअली गाड़ी पे आए हैं भैया भाभी और पापा, मैं आया हूँ एक्टिवा पे दादी के साथ, दादी कहती मैं गाड़ी पे नहीं बैठूंगी, बहुत ऊपर है, बंदे ने पैसे लगाए हैं गाड़ी पे बैठो, कह रही गाड़ी पे बैठूंगी नहीं, तो मैं एक्टिवा पे आया। एक और रीजन एक्टिवा आने का ये है कि मैं यहाँ बुआ घर सीधा जिम चला जाऊंगा एक्टिवा पे, वरना पता नहीं कि ये कब जाएंगे घर पे। हाँ वेरी डाउन टू अर्थ, बंदे ने 15-20 लाख रुपए गाड़ी पे लगाया, मैं तो बैठूंगी नहीं भाई, डाउन टू अर्थ तू मैं। तो एक और मेन रीजन यही था आने का कि मैं फटाफट से जिम जाने के लिए एक्टिवा उठाऊंगा, निकल जाऊंगा, वरना ये पता नहीं घर कब जाएंगे, तो मेरा वर्कआउट छोड़ जाता आज का, तो इसलिए मैंने वर्कआउट अपना छोड़ना नहीं है, आज मेरा वर्कआउट है लेग्स का, तो मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, तो इसलिए अब यहाँ पे घंटा बैठ के इसके साथ घर पे पकौड़े बनाए, क्या बनाया, गुलाब जामुन फिंगर गुलाब जामुन और रसमलाई खा के। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खा रहा, वैसे मैंने प्री वर्कआउट लिया नहीं है, जो मैं रोटी खाता हूँ केला खाता हूँ। गाइस आपको पता लगेगा भाई मैं आपके प्रति बहुत होनेस्ट हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे पता है कि मुझे लेग्स वर्कआउट करना है, फिंगर चिप्स खा के, फ्रेंच फ्राइज खा के लेग्स वर्कआउट करूंगा, कोई बात नहीं भाई, जो खाऊंगा ना जो भी खाऊंगा आपको दिखा के खाऊंगा, ठीक है ये गारंटी होगी। अच्छा पापा को निकालता हूँ, तो मैं गाड़ी पे इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को वर्कआउट करने जिम जाना था, मैं यहीं से एक्टिव होकर निकल जाऊंगा, ऐसे फिर ये पता नहीं 2 घंटे बाद घर जाएंगे तो मैं जिम जाने के लेट हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं एक्टिव आ गया। रुक जा बुआ। एक्चुअली हाँ सबसे बड़ा मेन रीजन यहाँ पे था बुआ घर आने का, हाँ टी पार्टी में बुलाया था क्योंकि फूफा कनाडा से आ चुके हैं, इसलिए फूफा जी आप कनाडा से आ गए,
क्या हाल चाल? सब बढ़िया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है कनाडा से आने के बाद इंडिया में? अपना घर तो भैया अपना घर है। यहाँ की हवा बढ़िया है कि कनाडा की बढ़िया थी? घर जैसी मौज बेटा कहीं पे नहीं। वो तो बस सही है, घर जैसी मौज कहीं पे भी नहीं है। दिल नहीं लगता बाहर जाके बिल्कुल। मैंने अब सिर्फ 12 दिन लगाए और 13वें दिन फ्लाइट पकड़ी, 14वें दिन संडे को घर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया भी तो गए थे आप? अब 12 दिन वहाँ पे, 4 दिन ऑस्ट्रेलिया। पहले 12 दिन कनाडा में, फिर 4 दिन ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, कनाडा की हवा अच्छी है या ऑस्ट्रेलिया की? ऑस्ट्रेलिया इज बेटर देन कनाडा। या फिर इंडिया की? या फिर इंडिया, इंडिया की? इंडिया तो बेटर है ही है। इंडिया तो नंबर वन है, इंडिया तो नंबर वन है, इंडिया तो नंबर वन है, इंडिया इज बेस्ट ब्रो। तो हमारी बहन ऑस्ट्रेलिया में है ना, तो बेचारी मिस करेगी हम जो अभी गेट टुगेदर करेंगे, है ना। चलो बढ़िया। तो फूफा के आने के बाद इसीलिए यहाँ पे टी पार्टी में बुलाया था। जल्दी इधर देख पहले, फटाफट से जोर की गली भाई हो, ठीक है? 1 2 3 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? भाई यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंच फ्रेस का और दलिया का। मैंने दलिया चूज किया, फ्रेंच फ्रेस नहीं, क्योंकि मेरे को प्री वर्कआउट में कार्ब चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल वाले ऑयल वाले मैं फ्रेंच फ्रेस तो नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं ये खाऊंगा कार्ब जोर वाला, जो कि अपने को एनर्जी देगा लेग्स वर्कआउट में। समझी बात को? वेट करो, वेट करो। वैसे समझ आया मैंने क्या क्या बोला है? सब समझ आता है भाई। मैं नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा। पहले मैं ये खा लूँ, फिर देखूंगा। 2-4 खा भी लूंगा तो क्या होगा भाई? दो चार खाने से कुछ हो थोड़ी जाएगा। मैं खाऊंगा नहीं, पर 2-4 खाऊंगा। 2-4 खाने में थोड़ी कुछ हो जाएगा, एक्सेस में खाने से कुछ होगा। दलिये तक तो ठीक था, लेकिन अब ये बन गया तो मैं ये छोड़ नहीं सकता यार, एक दो खाऊंगा ये भी, ठीक है? लेकिन मेन दलिया मैंने खा ली। मैं दादी को बुला रहा हूँ, मैं तो खा ही नहीं रहा। दादी अच्छे हैं, चंगे गाइस। देखो मैंने क्या कहा था, भैया खाएंगे भाई, नहीं रुका जाता खाना। मीन्स खाना इतने सारे बने हैं, 5 लाने सिर्फ मैंने। स्माइल स्माइल स्माइल, हंसो दादी, हंसो जोर की, हंसो दादी, दिखाओ अपने। नाइस 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 भाई, आराम से बैठे थे, इसने जिद करना शुरू कर दिया कि मेरे को जिम लेके चल। ये मेरी बहन है। अब भाई इतनी 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 मिन्थे करी है इसने जिम लेके चल, मेरे से रहा नहीं गया। मैं चलते को जिम दिखाता हूँ कैसा होता है। एक मिनट, कैमरा गंदा हो गया। तो इसको जिम लेके जा रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार जाएगी। कह रहे ले चलता, मैं चल ले चलता हूँ। पहली बार नहीं जा रही, मैं गई हुई हूँ। मैंने इसको बोल दिया कि भाई मैं वर्कआउट नहीं करा पाऊंगा, मैं अपने वर्कआउट में बिजी होऊंगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तेरे को ट्रेनर के हाथ में सौंप दूंगा, तू वही कराएगा तेरे को। ऊपर से वो बिजी होता है, वैसे तो ट्रेनर मतलब मोस्टली यहाँ पे किसी काम के है नहीं, वो काम करते हैं लेकिन काम नहीं भी करते, मतलब एक्सरसाइज गलत बता के छोड़ देते हैं। बंदा करता रहे मरता रहे, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। आजकल मोस्टली ये होता है क्योंकि यार अपने मजे में रहते हैं, वो भी को बहुत रेयर ऐसे ट्रेनर होते हैं जो अच्छी अपना जो काम अच्छे से करते हैं, लेकिन मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो मैं तेरे को करा नहीं पाऊंगा, फिर कह रहा हूँ। चलो यार, ये पहली बार जिम जाएगी, मतलब बहुत बड़े हो गए तो पहली बार जिम जाएगी ना, तेरा कब से शौक था, है ना भाई? चलो यार इसको ले चलते हैं। रिया बेचारी ऑस्ट्रेलिया में चली जाती है, ये बेचारी जा नहीं पा रही। मैं कह रहा हूँ भाई तू एक बार जिम जाएगी ना, यार टाइम नहीं मिल रहा, पागल हो। अरे भाई जा ही मत यार, पागल हो जाएगी। हम देख भाई कम से कम हमको 10 साल हो गए हमको वर्कआउट करते, एक दिन मम्मी को कहा था मम्मी एक दिन जिम जा रहा हूँ, एक दिन पागल हो गए 10 साल देगा, कितना इंटू हो गया उसमें। 5 साल कोचिंग दिया मैंने, सब समझता हूँ भाई, ये लाइफ का पार्ट है, जिसमें इसमें घुसना है पूरा घुस जाओ, लेकिन इतना भी मत घुसो कि पूरी लाइफ ही इसमें बिता दो। हमने पूरा इसमें घुस के भी देख लिया और इससे बाहर आके भी देख लिया, पता चल गया कि इसमें घुस के क्या जिंदगी है और इससे बाहर क्या जिंदगी है। समझ रहे बात को? क्या समझ रही है? अभी अभी कॉलेज जाना स्टार्ट किया इसने, नए नए से वो फूट गए अभी यार। जिम चलो, एक दिन लेके जाऊंगा, फिर नहीं लेके जाऊंगा, पागल हो जाएगी। और ना आपको बोला मुझे आज ले चलो, मैं जिद नहीं करूंगी फिर। हाँ जिद मत करियो, कोई जरूरत नहीं जाने की, अपना फ्री माइंड लाइफ एंजॉय करो, कभी इन फ्यूचर जाइयो जाइयो, ठीक है? अभी ऐसे मत कर। तो भाई ले चले इसको जिम पे, हम दोनों जिम जा रहे हैं, फैमिली अभी चली जाएगी 10-15 मिनट के बाद घर पे, तो अपन चलते हैं जिम पे। मैंने लगाना लेग्स वर्कआउट, ये करेगी टाइम पास पहली बार, ठीक है? और टाइम पास मैं ट्रेनर को समझा दूंगा भी, इसको आराम से करवाइयो ताकि कल इसका जो बॉडी पार्ट दुखे ना, इसको कॉलेज जाना होता है तो पैदा नहीं है ना, तो इसको मैं समझा दूंगा, आराम से करवा देगा एक दिन, ठीक है? मैं इसको ट्रेडमिल चलाना सिखा रहा हूँ, पहली बार चल रही है, हाथ पकड़ के मत कर, आराम से कर, हो जाएगा इजीली इजीली। लेकिन यहाँ से माइनस होता है, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, तो ये स्पीड है सिर्फ। तो भाई फाइनली वर्कआउट हो गया मेरा और इसका भी हो गया हो गया। आया मजा? आया बहुत मजा आया।
इसको अपर बॉडी वर्कआउट कराया मैंने उस तरीके से किसी को कल पेन ना हो, तो कल कराएंगे। बाकी थोड़ा बहुत पेन तो होता ही है जो भी वर्कआउट करता है पहली बार वेट उठाता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में स्पेशली। भाई एक बंदा आया था आज ज्ञान देने के लिए जब ये वर्कआउट कर रही थी शोल्डर प्रेस स्टैंडिंग में। स्टैंडिंग में शोल्डर प्रेस कर सकते हैं कोई इशू नहीं होता, और स्पेशली वर्कआउट करने के लिए जिम जाने के लिए कोई एज डिफाइन नहीं होती, जो मर्जी एज का बंदा जा सकता है। ठीक है, एक बंदा आया कि इसको स्टैंडिंग मत लगाओ, इसकी हाइट रुक जाएगी, इसके शोल्डर ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। मैंने कहा भैया मुझे मत सिखाओ, हम पहले बहुत सीख चुके हैं, आप अपने वर्कआउट पर ध्यान दीजिए। उसको काफ़ी रिस्पेक्टफुली आंसर दिया मैंने। मैंने कहा आपने भी डेफिनेटली ट्रेन किया होगा, लेकिन वर्कआउट करने से हाइट नहीं रुकती, स्पेशली शोल्डर का वर्कआउट करने से हाइट नहीं रुकती। तो फिर वो चुप हो गया, मैं भी चुप हो गया, बस फिर वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो इससे हाइट नहीं रुकती, जो मर्जी बंदा वर्कआउट करने जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता। वर्कआउट करने से स्पेशली शोल्डर करने से लेग्स करने से हाइट नहीं रुकती, चाहे वो कौन सी भी क्लास में बच्चा पढ़ता हो, चाहे वो 10th क्लास में हो या 10 साल का हो या 8 साल का हो, चाहे कॉलेज में हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। जो ट्रेनर कहता है कि वर्कआउट करने से हाइट रुक जाएगी, तो उस ट्रेनर को नॉलेज नहीं है मेरे हिसाब से। चलो बाय बाय। तो भाई बहन को घर पे छोड़ दिया, वर्कआउट हो गया उसका आज का फाइनली। अब चलते हैं घर पे, मैं पीता हूँ अपना प्रोटीन शेक और फिर आगे की मील भी लेनी है मेरे को। मतलब मैंने सिंपल तरीके से कहा था कि सर ऐसा नहीं होता, हाइट नहीं रुकती। कह रहे सर नहीं ऐसा नहीं होता, रुकती है, मैंने भी ट्रेन किया है। मैंने कहा भैया आपकी बात मैं सहमत हूँ मैं, लेकिन हमें पता है इतने साल से ट्रेन कर रहा हूँ, मैंने स्टडी में पढ़ा भी है कि हाइट नहीं रुकती वर्कआउट करने से, लेकिन वो नहीं मान लेते। मैंने कहा चलो ठीक है, आप सही कह रहे हो, हम गलत हैं। तो ऐसे टाइम पे किसी से बहस नहीं करते होते, उसको तरीके से आंसर देते होते हैं कि सर आप सही हो, लेकिन हम ऐसे करा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऐसे होता है। चलो घर चलता हूँ, अब मैं अपना शेक पीता हूँ फटाफट से, भूख लग रही है, काफ़ी फटीक हो गया लेग्स वर्कआउट आज। तो अपना पोस्ट वर्कआउट शेक तैयार है और साथ में खाएंगे हम घिया। हेलो, आप खाओगे? आप पियोगे? अरे ये पियोगे ना, एक मिनट में खड़े हो जाओगे, एक मिनट में, अभी कह रहा हूँ पी लो, दम है। कोई बात नहीं, मैं दो मिनट में खड़ा हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, ये लो पी लो, नहीं पीना बाकी मर्जी है आपकी, देख लो मैं तो पी रहा हूँ, मैं तो खड़ा हो जाऊंगा एक मिनट में, मर्जी है बाकी आपकी। पोस्ट वर्कआउट शेक इसमें 3 केले और 2 स्कूप वे प्रोटीन। उड़ती उड़ती खबर ये है कि टमाटर बहुत महंगे हो चुके हैं, एक टाइम था 30 रुपए किलो, अब 80 रुपए किलो। 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, बहुत महंगे है भैया, बहुत महंगे हैं।